गोमिया झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बैनर के तले गोमिया के चतुरोचट्टी के करबला मैदान में एक विशाल सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि यह लड़ाई जरूर भाषा को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन अब यह खाद्यान्न आधारित स्थानीय नियोजन और उद्योग नीति लागू करने तक जारी रहेगी और अगर ऐसा झारखंड सरकार नहीं करती है तो आंदोलनकारियों ने कहा कि वह जल्द ही विधानसभा का भी घेराव करेंगे और पूरे झारखंड भर में उग्र आंदोलन होगी। उनके बगल में जो आदमी काम करने आया है सरकारी नौकरी, वो बाहर का आदमी है, उसकी भाषा में बात ही नहीं करता है। उसका खुद का भाई, उसको इतना नॉलेज है कि उसका भाई परदेश में रहता है, साल में 6 साल में एक बार मिलने आता है। उसे भी उस पीड़ा का, उस छोटी सी बहन को भी पीड़ा का आभास है। झारखंड इस मकसद के लिए बना था, आज वो मकसद कहीं पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जो बहन लोग भी सड़क पर आ गई है, आंदोलन में साथ दे रही है, माए बाटे आंदोलन कर रही है, तो ये किसान बहुत ही विकराल परिस्थिति आ गई है। इसलिए हमारी जो लड़ाई होगी वह सड़क से सदन तक जाने की होगी। और अंतिम संदेश, मेरा जो अंतिम संदेश यूथ को होगा, यदि कोई पॉलिटिकल लोग अगर इसको खारिज नहीं करते हैं, 1932 के हथियार की बात नहीं करते हैं, तो असम के तर्ज पर 1985 में असम ने कुमारों की सरकार बनाई थी, स्टूडेंट पढ़ने वाले कॉलेज से सड़क पैर थे और सरकार बनाई थी। झारखंड की युवाओं को संदेश होगा, वो पढ़ाई लिखाई छोड़े कुछ दिन के लिए, काम काज छोड़े और एक सरकार बनाए जो केवल और केवल झारखंड की बात करेगी और स्थान नीति की बात करेगी, नियोजन नीति और उद्योग नीति की बात करेगी। कविताएं लिखना मुझे पसंद है, लेकिन हाँ, मेरे लोग नेता कैसे बनेंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम नेता नहीं बने इसलिए तो हजारीबाग में अतिक्रमण हो गया, बाहरी आदमी यहाँ सांसद विधायक बन गया। हम नेता नहीं बने इसलिए धनबाद भी लोग चबा के खा गए, सांसद बाहरी, विधायक बाहरी, आपका रांची को भी अब बाहरी लोग अतिक्रमण करने लगे। भैया, मेरा व्यक्ति कहीं विधायक सांसद को छोड़िए मुखिया नहीं बन पाता है और आप आगे यहाँ विधायक सांसद मंत्री और मुखिया बनने लगे, ये पैमानी है। उसी पैमानी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और बिल्कुल संवैधानिक है। का खसोटने का काम करेंगे, क्योंकि अब झारखंड 21 साल का हो चुका है, झारखंड अब जवान हो चुका है, अब झारखंड लड़ना सीखा है, पढ़ना सीखा है, अपना हक अधिकार वो संवैधानिक दायरे में लेगा। का कोई बहुत ही मैंने प्राइवेसी चीज, कोई ऐसा चीज जो में गलती में होंगे उनका कोई ऑडियो या वीडियो किसी बाहरी के हाथ में होगा, दबाव दिख रहा है। क्योंकि जो हेमंत सोरेन एक महीना पहले खुद कहते थे ये बोरो लैंग्वेज है, ये अतिक्रमणकारी लैंग्वेज है, आज वो इंसान कहीं ना कहीं चुप्पी साध के बैठा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो सीधा सा संदेश मुझे लगता है उनका कोई ना कोई प्राइवेट चीज़ें बाहरी लोग जानते हैं, जिनको उनको गोपनीय रखा गया है, उनको दबाव बनाया गया है। और मैं चाहूँगा, हेमंत बाबू को संदेश देना चाहूँगा, आप केजरीवाल की तारीफ करते हैं, तो केजरीवाल के तर्ज पे जब उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी कांग्रेस के गठबंधन के साथ, कांग्रेस ने प्रेशर किया, उन्होंने गठबंधन छोड़ा और 70 में 67 सीटें लाकर दिल्ली में इतिहास बनाया था। आप कांग्रेस को छोड़िए, जनता आपको पूर्ण बहुमत देने का काम करेगी। सेंट्रल पार्टी बीजेपी झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाहरी जनता पार्टी है, इस बात को मानना होगा। क्योंकि ये नीति जो था 2018 में छेड़छाड़ हुआ था, 2015-16 में सीएनटी छेड़छाड़ हुआ था, बीजेपी ने ही किया था। तो बीजेपी तो शुरू से चाह रही कि जो झारखंड की पहचान है, बीजेपी जानती है कि गाँव में उसके वोटर है नहीं, हालांकि मोदी लहर के बाद बने, तो बीजेपी जानती है झारखंड लोग राज्य में जो गठबंधन में सरकार थी उसे जनता ने इसीलिए हटाया था, उन्होंने जो काम किए थे उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा बदलेगी, क्योंकि ये जल जमीन जंगल की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं जल जमीन जंगल की सरकार भी आज झारखंडियों को केवल और केवल आदिवासी मूलवासी के नाम पर ठग रही है। अगर आप आदिवासी का ही भला चाहते हैं, मूलवासी का ही चाहते हैं, तो आपके जितने हैं आईएएस अधिकारी हैं, जो आपके पर्सनल भी हैं, वे लोग सब बाहरी हैं, आपके टेंडर लेने वाले बाहरी हैं, तो कहीं ना कहीं केवल और केवल ड्रामा है। कुछ बातें तो ऐसी भी सुनने में आई कि हमारे दो मंत्री हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको किसी व्यक्ति को डायरेक्ट हमको नहीं कहना है, दो मंत्री हैं, दोनों अच्छे घर परिवार से भी आते हैं, अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और वो मंत्री हेमंत सोरेन से मिलने से पहले उनका एक कोई पीए है गंगा नदी पार वाला, उसको सलाम करते हैं। वे मंत्री हैं, ध्यान देने वाली बात है, वे सूबे के दिग्गज मंत्री हैं, दो दो मंत्री जैसे हमको रिपोर्ट मिला, वे सीएम से मिलने से पहले उसको जी हुजूरी करते हैं, एक कोई मन है बहरिया व्यक्ति को, सोचिए कितना दबदबा है, कितना दबदबा है। आज अगर ये हमारे मंत्री विधायक अगर सड़क पर नहीं आते हैं, सदन हमारी बात को नहीं रखते हैं, तो निसंदेह इनकी पीढ़ी तो गुजर जाएगी, इनके बाल बच्चे तो ठीक ठाक खा पी लेंगे, लेकिन जो झारखंडी आवाम है कहीं ना कहीं चली जाएगी, ठगी जाएगी। क्योंकि राज का निर्माण ही होता है वो बिछड़ता है, तब कोई राज बिछड़ रहा हो, कहीं के लोग बिछड़ रहे हो, मुख्य धारा से वंचित हो रहे हो, तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए नया राज निर्माण है। आपका कोरोना पीरियड गुजरा, 12 लाख मजदूर किसान आंदोलन को आदर्श मानते हुए उसी के तर्ज पर जो हमारी कोर कमेटी है वो जो भी निर्धारित करेगी, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, उनके कथन अनुसार चलूंगा। लेकिन हाँ,
आप झारखंड झुकेगा नहीं, आप झारखंड रुकेगा नहीं, क्योंकि झारखंड अब जवान होने के साथ साथ सियान हो चुका है, अपने हक अधिकार को मांगने लगा। वही जाना चाहते, पहले आंदोलन होता था तो पुरुष लोग आते थे, भाई लोग, काका जेठा लोग आते थे, अब माँ बहन देखे 5 साल की बहन लोग भी आने लगी है, तो समझ रही है, वो देख रहा है कि उनके बगल में जो आदमी काम करने आया है सरकारी नौकरी, वो बाहर का आदमी है, उसकी भाषा में बात ही नहीं करता है, उसका खुद का भाई, उसको इतना नॉलेज है कि उसका भाई परदेश में रहता है, साल में 6 साल में एक बार मिलने आता है, उसे भी उस पीड़ा का, उस छोटी सी बहन को भी पीड़ा का आभास है।